हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी मैथमेटिक्स यानी कि कैलकुलस का जो चैप्टर चल रहा था आपका नॉर्मल एंड टेंजेंट्स, इसकी ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले की जो दो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिएगा, पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब नॉर्मल, टेंजेंट की इक्वेशन और आपके नॉर्मल की इक्वेशन के जो बेसिक फॉर्मूलाज, कुछ सवाल मैंने करा दिए हैं उन्हें जाकर देख लीजिएगा। ये इसकी लास्ट वीडियो है, इसमें भी इस सवाल को मैं कंप्लीट कराऊंगा और जो टाइम बचा तो और भी सवाल कराएंगे, अदरवाइज यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ए, यानी कि एक्स और वाई पर, और ये टेंजेंट के साथ साथ में नॉर्मल की इक्वेशन भी इसी में फाइंड करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये कर्व दे रखा है, इसकी आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब मैं इसका पहले आपको क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना होता है टेंजेंट के लिए। तो यहाँ पर dy अपॉन dx कैसे निकलेगा, जब x और y होते समीकरण दे रखी है, सिंपल सा फंडा है। आप टेंशन ना लेने का क्या है कि इसको पहले एक समीकरण का रूप दे दीजिए। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर n बटे a की पावर n प्लस y की पावर n b की पावर n माइनस 1 बराबर 0। इस तरीके से ये समीकरण मैंने माइनस 1 को इधर लिया 0, और ये मैं कोई क्या मान ले रहा हूँ, एक्स कॉमा वाई की एक समीकरण मान ले रहा हूँ इस तरीके से, यानी फंक्शन मान ले रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। हम इसका अलग अलग यदि मैं बात करूँ इसकी अलग अलग उसकी समीकरण निकाल लेती तो क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में यदि मैं निकालूंगा तो ये कॉन्स्टेंट माना जाएगा, ये कॉन्स्टेंट माना जाएगा, नहीं इसका सबका जीरो हो जाएगा अवकलन, लेकिन इसका अवकलन जीरो नहीं होगा क्योंकि ये वन अपॉन वन की पावर एम ये यहाँ पर आ जाएगा, और एक्स की पावर एम का क्या हो जाएगा, एम इंटू एक्स की पावर एम माइनस वन। अकॉर्डिंग दिस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन ए की पावर एम, ठीक है। ऐसे ही अब नाउ अगेन डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी कि वाई के रेस्पेक्ट में मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, अब ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं होगा, तो वन की पावर एम और वाई की पावर का क्या हो जाएगा, एम इंटू वाई की पावर एम माइनस वन, यानी कि फॉर्मूला लगा दिया हमने, अवकलन कर दिया, वन अपॉन बी की पावर एम तो कांस्टेंट है, इसका फॉर्मूला क्या है, वाई की पावर एम का, यानी एम एम आगे आ जाता है वाई की पावर एम माइनस वन। अकॉर्डिंग दिस ये क्या हो जाएगा, एम वाई की पावर एम माइनस वन अपॉन बी, समझ बी की पावर एम, ये दोनों समीकरण निकले। अब नाउ मैं डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, ये दोनों मान निकालने के बाद में डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना होता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, जब भी कभी भी ये फंक्शन में आ जाए और आपको इस तरीके का निकालना पड़े, यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए माइनस अपने आप लगा देना है, माइनस यानी माइनस और ऊपर लगा देना है डेल एक्स अपॉन सॉरी डेल एफ अपॉन डेल एक्स अदर डेल वाई अपॉन सॉरी डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये फॉर्मूला होता है कब है, जब ये फंक्शन में दे रखा हो और आपने पार्शियली डिफ्रेंशिएशन किया है, तो ये माइनस डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस के डी एफ अपॉन डी वाई, ये होता है, क्यों, ये ऊपर चला जाएगा डी एक्स नीचे आ जाएगा तो डी अपॉन डी एक्स बचेगा, यानी डेल का मतलब ये माइनस लग जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना ये फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग दिस ये जो वैल्यू है कितनी है, माइनस डी एफ अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, एम एक्स की पावर एम माइनस वन अपॉन ए की पावर एम, और ये इसकी वैल्यू कितनी थी, एम वाई की पावर एम माइनस वन बी की पावर एम, इसकी मल्टीप्लाई हो एम से तो एम कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी की पावर एम एक्स की पावर एम माइनस वन और ए की पावर एम और वाई की पावर एम माइनस वन, समझ में आ गई, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकल के, ठीक है। अब देखिएगा अब हमें क्या फाइंड करनी है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट एट एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई इस पर ये फाइंड करनी है। तो जो टेंजेंट की इक्वेशन, वैसे मोस्टली मैं एक्स वाई माइनस क्या लेता हूँ, वाई माइनस वाई वन और डी वाई अपॉन डी एक्स और एक्स माइनस एक्स वन लेता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पॉइंट जो है आपके एक्स और वाई में दे रखे हैं, तो मैं इसलिए इसको कैपिटल वाई मान ले रहा हूँ और इसको कैपिटल एक्स कह दे रहा हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब वही यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, वाई माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, वाई है बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, बी की पावर एम और एक्स की पावर एम माइनस वन, ए की पावर एम वाई की पावर एम माइनस वन,
इंटू एक्स माइनस एक्स वन की जो वैल्यू है वो कितनी है एक्स है, ठीक है, समझा ली, क्योंकि ये पॉइंट जो ले रहे हैं एक्स वन वाई वन होते हैं, ठीक है। अब हमारा ये देखिएगा वाई माइनस वाई वन, ठीक है। अब देखो इसमें से ये वाई वाले को टर्म को मैं इधर ले आ रहा हूँ, वाई की पावर ऐसे कर दीजिएगा जो वाई की पावर एम माइनस वन, और ये बी बी को भी इधर ले आ रहा हूँ नीचे, ये क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन। ये क्यों किया है, क्योंकि y के साथ में y1 यानी y के साथ में b की पावर n था, और ये कितना बचेगा x की पावर m माइनस वन बट्टे a की पावर n, x माइनस x अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा y की पावर m माइनस वन इंटू कैपिटल y बट्टे b की पावर m माइनस y की पावर m माइनस वन इंटू y अपॉन b की पावर m बराबर, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करोगे x की पावर m माइनस वन इंटू कैपिटल x बट्टे एम माइनस एक्स एम माइनस वन इंटू एक्स अपॉन ए की पावर एम, ये आ जाएगा, समझ में आगे बात। अब देखो जरा इससे ये कट जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर एम और एक्स की पावर माइनस वन, ये नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा क्योंकि ये तो कैपिटल एक्स है। तो ये देखिएगा ये आपका वाई की पावर एम माइनस वन इंटू कैपिटल वाई अपॉन बी की पावर एम माइनस, ये देखो ये कट जाएगा तो ये कितना बचेगा वाई की पावर एम बचेगा बी की पावर एम बराबर, ये कितना बचेगा देखिएगा, सॉरी इसमें माइनस तो हमने लगाया ही नहीं, ये वाला माइनस, ये देखिएगा ये माइनस था, ये माइनस था यहाँ पर, तो ये भी माइनस था, और जब ये माइनस है ये माइनस इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, समझ में आ गई ना बात, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिएगा अब मैं इसकी बात करूँ तो ये तो सेम सेम रहेगा, ये माइनस माइनस एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू कैपिटल एक्स बट्टे ए की पावर एम प्लस ये बचेगा एक्स की पावर एम बट्टे ए की पावर एम, ठीक है। अब जिसको नहीं पता है कि ये कैसे कटा, देखो एक्स की पावर एम माइनस वन है इंटू एक्स, तो इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर माइनस वन इंटू एक्स, और ये कट गया क्योंकि ये एक्स की पावर माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, कुल मिलाकर बात ये इसको नीचे ले जाऊँ तो कट जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब देखिएगा अब ये जो है इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइएगा, तो वाई की पावर एम माइनस वन अपॉन बी की पावर एम प्लस एक्स की कैपिटल वाई भी है इसके साथ में, और ये एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू कैपिटल एक्स बट्टे ए की पावर एम बराबर एक्स की पावर एम बट्टे ए की पावर एम, और ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा वाई की पावर एम बट्टे बी की पावर एम, ठीक है। ये समीकरण वन क्या थी, वन है, इसको मैं समीकरण एक मानूँ वन कह लूँ तो फ्रॉम वन ये वैल्यू कितनी है वन हो जाएगी, और ये यही आपका इक्वेशन ऑफ क्या टेंजेंट निकल आएगी, ठीक है, एम माइनस वन इंटू कैपिटल वाई अपॉन बी की पावर एम इंटू प्लस एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू एक्स बट्टे ए की पावर एम, दिस इज योर आंसर, समझ में आ गया ना बात, ठीक है, सिंपल सा फंडा है ये है। अब आपकी हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, तो नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करूंगा तो माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, तो यानी कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये चीज बदल जाएगी बस, ए की पावर एम वाई ऊपर और ये नीचे, बाकी सब सेम सॉल्यूशन करना है आपको, तो वो आपको निकाल के मेरे को आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इस तरीके का क्वेश्चन मोस्टली आता रहता है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। अब जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर चलाएंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर जो टॉपिक है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है और डेफिनेटली आता है, और बहुत ही प्यार से हम उसको समझेंगे, ठीक है, उसके बेसिक फॉर्मूलाज उसके क्या है, ठीक है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िएगा।